हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा के द्वारा एक न्यू विज्ञप्ति के बारे में, जिसका यहाँ पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल अपडेट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 19 सितंबर 2022 को, यानी कि आज के दिन, यहाँ पर जो है अपडेट जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसकी विस्तृत जानकारी हम जानेंगे क्या कहा गया है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में जो भर्ती के रिगार्डिंग, तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021, तो यहाँ पर जो कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट आपकी आई थी उसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट है, जिसमें अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 हेतु विज्ञापन संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा लिखा गया है कि उक्त परीक्षा में जो है औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को पदों विभागों की जो है ऑनलाइन वरीयता, तो यहाँ पर आपको वरीयता भरनी है, जिनका रिजल्ट आपका अभी हाल ही में जारी हुआ था, और कहा गया कि इसमें जो आपको वरीयता भरनी है वेबसाइट में जारी किया जा चुके हैं, और आवेदन करने की यहाँ पर जो है 20 सितंबर से इसको खोल दिया जाएगा, यानी कि कल से खोल दिया जाएगा, और अभ्यर्थी यहाँ पर जो है 6 अक्टूबर 2022 तक जो है यहाँ पर इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इनके अपनी वरीयता जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें। जिनका परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है वही लोग जो है अपनी वरीयता यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके लिए ऑनलाइन वरीयता के अंतिम सबमिशन के पश्चात जो है वरीयता के पश्चात यहाँ परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध किसी भी दशा में आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपने एक बार जो जहाँ पर वरीयता क्रम भर रखा है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया होगा तो, ठीक है, उससे पहले हो सकता है, अदरवाइज उसके बाद नहीं होगा। और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी है कि आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन वरीयता का प्रिंट आउट निकाल कर उसको साथ चेकलिस्ट बना कर और जितने भी आपके शैक्षिक अधिमानी जितने भी अभिलेख हैं उन सभी को उनकी छाया प्रति जो उत्तराखंड के सचिव हैं लोक सेवा आयोग के पिन यहाँ पर एड्रेस दे रखा है उन पर जो है आपको भेजना है। ये एड्रेस आप लोग देख सकते हो, उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार पिन कोड 2494-04 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको 6 अक्टूबर तक निर्धारित तिथि पर जो है आपको भेजना पड़ेगा, और बाहर जो लिफाफा है उस पर ये अंक आपको लिखना कंपलसरी है। लिफाफे के बाहर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 लिफाफे में लिखना है, साथ में आपका नाम लिखना है लिफाफे के तल पर, अनुक्रमांक लिखना है नीचे साइड में जो लिफाफा होता है, और चेकलिस्ट अगर बात करूँ तो ये आपके चेकलिस्ट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है और इसमें मेरिट भी काफ़ी कम गई है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनकी जो चेकलिस्ट है वो आप लोग इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर अपने अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी करने के लिए UPSC की ऑफिशियल साइट में आप विजिट कर सकते हैं।